एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के सेशन में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं 2018 से लेकर 2024 तक, उनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि एग्जाम तो 7 जुलाई को होने वाली है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। और एक बात जो मुझे आपको बतानी है कि मैंने 4 प्लेलिस्ट बना के रखी है। पहली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैं चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा जो प्लेलिस्ट है उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक बेस्ड, मतलब चैप्टर बेस्ड, मैं चैप्टर वाइज हमें जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करा रही हूँ। तो ये तो चला गया साइंस के कंटेंट से रिलेटेड 2 प्लेलिस्ट। साथ ही साथ मैंने हिंदी पैसेज को सॉल्व कराने की भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इंग्लिश पैसेज को भी सॉल्व कराने की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, तो आप इन प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है कि कॉलम 1 में हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में हमको उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, तो हमको उनको मैच करना है। तो जैसे कि पहला वाला जो हम नाम देख पा रहे हैं वो है कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? वो एक इंसेक्ट है। सो इंसेक्ट में आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है जहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो लास्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो यही था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनकी ब्रीदिंग ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होती है। तो इंसेक्ट्स की ब्रीदिंग ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है स्पाइरकल एंड ट्रैकिया। तो क्योंकि यहाँ पर स्पाइरकल नहीं दिया हुआ है तो ट्रैकिया को मानकर ही हम चलेंगे, तो हम कॉकरोच के साथ इसको मैच कराएंगे। फिर दूसरा जो है वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है? वो अपने मॉइस्ट एंड स्लाइमी स्किन के थ्रू ब्रीद करता है, तो अर्थवर्म चला जाएगा स्किन के साथ। फिश जो है उनमें क्या मौजूद है? फिश में मौजूद होती है गिल्स, ओके? और जो लिजर्ड्स है उनमें क्या मौजूद होती है? उनमें होती है लंग्स। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, 1 हमारा सी के साथ जा रहा है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम 2 पे जाते हैं। 2 हमारा बी के साथ जा रहा है, सो 1 सी के साथ, 2 बी के साथ, 3 ए के साथ और 4 डी के साथ। सो उस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ। 1 सी के साथ, ठीक है, 2 बी के साथ, 3 ए के साथ और 4 डी के साथ, तो ये हमारा सही उत्तर है। हिंदी वाले भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और पढ़कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी हमको अगेन मैच द फॉलोइंग दिया गया है। सो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ पर उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो अर्थवर्म, जैसे कि हमने अभी बोला कि दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ देयर स्लाइमी एंड मॉइस्ट स्किन, सो अर्थवर्म चला जाएगा स्किन के साथ। कॉकरोच, क्योंकि वो एक इंसेक्ट है तो उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होता है और स्पाइरकल होता है तो ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, तो कॉकरोच चला जाएगा ट्रैकियल सिस्टम के साथ। डॉल्फिन क्योंकि एक मैमल है तो वो क्या करेगा? वो ब्रीथ करेगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और जो स्नेल होते हैं उनमें गिल्स पाई जाती है, ठीक है, कॉम्स की तरह गिल्स होती है उनकी, तो डी चला जाएगा हमारा गिल के साथ। तो अगर हम मैच करेंगे ए टू के साथ 2 ऑप्शन में जा रहा है, बी 3 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी 4 डी 1, सो यहाँ पर भी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए 2 बी 3 सी 4 एंड डी 1। जिनको हिंदी में ये क्वेश्चन पढ़ना है आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, पढ़ लेने के बाद आप देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही बनता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। सो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के वक्त, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस, मतलब इनमें से कौन सी मूवमेंट या मूवमेंट होती नहीं है, ठीक है। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं मतलब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, तो ब्रीद इन करते वक्त द एयर इज ड्रॉन इन थ्रू द नॉस्ट्रिल, मतलब हवा नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर भरी जाती है, ये मूवमेंट होती है।
रिब्स मूव आउट तो ये भी होती है क्योंकि हमने क्या पढ़ा है रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. अच्छा लंग्स एक्सपैंड तो क्योंकि हम सांस भर रहे हैं हवा अंदर भर रहे हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं वो फूल जाते हैं. ठीक है ये तीनों हो रहे हैं. डायफ्राम मूव्स अप ये नहीं होता है क्योंकि डायफ्राम मूव्स डाउन होता है सो वो नीचे जाता है और फ्लैट मतलब स्ट्रेट हो जाता है. ओके तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट ऑकर या टेक प्लेस तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. हिंदी वाले स्टूडेंट्स तो नहीं है आप लोग लर्नर्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं. तो मध्यपट ऊपर उठता है ये इसका सही उत्तर होगा. आगे बढ़ेंगे. अगेन हमको यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके सो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं फिश से स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले फिश में गिल्स होते हैं सो ये चला गया डी. कॉकरोच एक इंसेक्ट है तो उसमें ट्रेकिया होगा. फिर अर्थवर्म में यहाँ पर हम उसको मॉइस्ट स्किन पकड़ेंगे ठीक है क्योंकि अर्थवर्म में लंग्स तो नहीं होता तो फिर हमको फ्रॉग के साथ लंग्स को लेना है क्योंकि जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें लंग्स एज वेल एज मॉइस्ट स्किन भी होता है उनका जो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है और टैटपोल स्टेज में उनका गिल्स होता है तो क्योंकि फ्रॉग बताया गया है तो हम यहाँ पर इसके साथ लंग्स ही लेंगे. तो अगर हम देखेंगे ऑप्शंस को तो ए जा रहा है 4 के साथ ए 4 के साथ बी 3 के साथ सी 2 के साथ और डी 1 के साथ जो कि एक ही ऑप्शन में ए 4 के साथ जा रहा था तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. हिंदी वालों के लिए भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया हुआ है आप इसको एक बार पढ़ के इसको सॉल्व करके देखिए कि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है कि नहीं. आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स. तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस सेशन में जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो तब हमारी जो एनर्जी की नीड होती है वो ज़्यादा होती है बट जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो ठीक ठाक से नहीं होता है तो क्या होता है कि जो मसल सेल्स होते हैं वो एन एरोबिकली रेस्पायर करते हैं तो तब क्या होता है ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स. सो कौन है यहाँ पर प्रोडक्ट वो है लैक्टिक एसिड तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा. ठीक है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है श्रीजॉन पार्टिसिपेटेड इन द मैराथन ऑल्दो ही इज नॉट अ रेगुलर वॉकर. सो श्रीजॉन ने क्या किया है मैराथन में पार्टिसिपेट तो किया है बट वो रोज चलता नहीं मतलब ना ही कोई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कुछ भी नहीं करता है. Cramps occurred in his legs due to fast running. तो अब उसने इसको अपना रेगुलर हैबिट तो नहीं बनाया हुआ था रेगुलर एक्टिविटी उसकी चलनी नहीं थी तो जिस वजह से क्या हुआ कि जब वो तेज दौड़ा तो उसके लेग्स में क्रैम्प्स आ गए. दिस हैपेंड बिकॉज ए पार्शली ब्रोक डाउन टू बी इन मसल्स. सो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ए पार्शली टूट कर बी में बदला. तो अभी मैंने क्या बताया था ए कौन होगा ग्लूकोज ग्लूकोज पार्शली उसका ब्रेकडाउन होता है सो ए हो जाएगा ग्लूकोज उसके पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से किसमें बदल जाता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड. अ हॉट वाटर बाथ इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन ड्यू टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बी. बी तो हमारा लैक्टिक एसिड है तो जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो ये जो दर्द है ये जो क्रैम्प्स है ये थोड़ा सा उससे हमको बेहतर फील होता है. तो लैक्टिक एसिड कंप्लीटली किस किस में ब्रेक करके हमको क्या देता है प्रोडक्ट वो सी और डी देता है तो सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डी हो जाएगा वाटर. ठीक है सो क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ था और हमको लैक्टिक एसिड मिला था सो लैक्टिक एसिड जब मसल सेल्स में जमा होने लगते हैं उस वजह से हमको मसल क्रैम्प्स होता है. तो हमको एडवाइस किया जाता है कि हम हॉट वाटर बाथ ले ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से क्या होगा कि ऑक्सीजन
उस पार्ट तक पहुंचेगा और ऑक्सीजन के पहुंचने से क्या हो जाएगा कि जो लैक्टिक एसिड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ए बी सी डी क्या हुए, ए हुआ ग्लूकोज, बी हुआ लैक्टिक एसिड, सी हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, डी हुआ वाटर। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 3 ही उत्तर बन रहा है कि नहीं वो आप मेरे को बताइएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई हैवी एक्सरसाइज करने से एन एरोबिकली रेस्पायर करते हैं हमारे मसल सेल्स, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? ऑक्सीजन तो बनती नहीं है, अल्कोहल नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता है, सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा ओनली डी होगा, केवल डी। आगे बढ़ेंगे, पिक द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ग्रासोफर है, कॉकरोच है, स्नेल है और एंट है। इनमें से एक ऑड वन आउट है क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बाकी तीनों से अलग है। तो अगर आप देखेंगे जो ग्रासोफर, कॉकरोच और एंट है, ये तीनों क्या है, ये तीनों इंसेक्ट्स है, राइट? और इंसेक्ट्स में जो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो होता है स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिए, ये होता है ना, या ट्रैकियल सिस्टम होता है। जो स्नेल होता है उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होता है। सो हमको क्या कहा गया, पिक द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट यहाँ पे कौन है, वो है स्नेल। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है, विच इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन इन ह्यूमंस। सो जब हम सांस अंदर भरते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस में कुछ मैकेनिज्म्स बताए गए हैं कौन सा सही तरीके से दिया हुआ है। तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, एयर अंदर ली जाती है, सो एयर मूव्स इन, जिसके चलते क्या होता है, हमारे जो रिब्स है वो इट मूव्स आउट एंड अप। ठीक है, सो रिब्स मूव आउट हो गया। जो डायाफ्राम होता है इट मूव्स डाउन, इसका डोम शेपेड होता है वो नीचे, इट मूव्स डाउन एंड बिकम्स फ्लैट। ठीक है, सो इट मूव्स डाउन। तो उस हिसाब से किस ऑप्शन में ये तीनों चीजें दी गई है, एयर मूव्स इन दो जगह पे दी गई है, बाकी आउट वाला तो पहले ही क्रॉस हो गया। सो एयर मूव्स इन, रिब्स मूव इन, नहीं रिब्स मूव आउट होगा। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम मूव्स डाउन, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ये वाला गलत होगा। क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर मूव्स इन थ्रू द नोस्ट्रिल्स, द रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड द डायफ्राम इट कम्स डाउन और मूव्स डाउन एंड बिकम्स फ्लैट। ओके, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग केक, जब हम केक का जो बैटर है वो बनाते हैं, द कुक एड्स अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड शुगर टू द डो। तो क्या करते हैं कि ईस्ट और शुगर ऐड की जाती है एंड लीव्स इट असाइड फॉर फ्यू आवर्स, और कुछ घंटे के लिए उसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, वाई डज द डो स्मेल सार आफ्टर फ्यू आवर्स, सो जो डो है उससे खटास जैसी स्मेल क्यों आती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ईस्ट होते हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन गैस के एब्सेंस में ही फूड का ब्रेकडाउन होता है उनके सेल में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही उनका ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो क्या हो रहा है, फूड क्या है, यहाँ पे शुगर है तो फूड ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ O2 गैस। ठीक है, ब्रेकडाउन होने से हमको मिल क्या रहा है, हमको एक अल्कोहल मिल रहा है जिसका नाम है एथेनॉल,
ये एक अल्कोहल है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि वो जो डो है वो सार क्यों स्मेल करता है। सो किस लिए करता है? क्योंकि अल्कोहल के वजह से वो खट्टा स्मेल करता है। तो देखिए अल्कोहल कहाँ पे दिया हुआ है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इसका सही उत्तर होगा। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं होगा। ड्यू टू एडिशन ऑफ शुगर टू ईस्ट नहीं होगा। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड तो ईस्ट में बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज़ एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।